तो लोग सोचते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो केवल विनाश की बात करती हैं, परंतु उन्हें भूल गया, वो आधा ही सुनते हैं कि हम तो स्वर्णिम युग के आगमन की बात ज्यादा करते हैं, विनाश की बात तो अब सारा संसार कर रहा है और हम देख रहे हैं विनाश की तरफ ये संसार तेजी से बढ़ रहा है। जो नहीं मानेंगे उन्हें 5-7 साल में मानना ही पड़ेगा। रोज भविष्यवाणियां आ रही हैं तृतीय विश्व युद्ध की, लेकिन हम तो कार्य कर रहे हैं भारत को विश्व को स्वर्ग बनाने का, सत्युग की स्थापना का कार्य परमात्मा कर रहे हैं, उनके साथ ही हम सब बन गए। इसलिए कोई इस भ्रम में न रहे कि केवल हम विनाश की बात करते हैं, हम तो परमात्म मिलन की बात करते हैं, उससे परम सुख पाने की बात करते हैं। जिसको भगवान से मिलना हो आ जाओ। लोग पूछते हैं क्या सचमुच दुनिया का विनाश हो जाएगा, हमसे क्यों पूछते हो जिन्होंने एटम बॉम्ब्स बनाए, रशिया से पूछो कितनी धमकियां मिल रही हैं, अमेरिका से पूछो, यूक्रेन से पूछो क्या हो गया वहाँ, क्या ये विनाश का लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। जो हथियार बनते हैं क्या उनका यूज नहीं किया जाता, क्या उस पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च केवल म्यूजियम में रखने के लिए बनाए हैं, उनका यूज होगा और ये पाप की दुनिया नष्ट होगी, पाप की दुनिया नष्ट होगी, अंडरलाइन कर लो, पुण्य की दुनिया आ जाएगी। इसलिए दुनिया नष्ट नहीं हुआ करती, इसका बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं यही पॉल्यूशन चलता रहे, क्या आप चाहते हैं ये मानसिक बीमारियां यूं ही बढ़ती रहें, क्या आप चाहेंगे कि घर घर में तलाक के केस हो जाएं, घर घर में झगड़े बढ़ जाएं, गृह युद्ध हो जाएं भारत में, क्या आप चाहेंगे? तो इन सब चीज़ों की समाप्ति के लिए एक नव युग की स्थापना का कार्य परमात्मा कर रहे हैं, और हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है, आप उसमें हिस्सेदार बनिए। भगवान का दिव्य कार्य सृष्टि पर हो रहा है, आप उसके बहुत समीप पहुंच सकते हैं। उसके सत्य ज्ञान को लेकर जो जन्म जन्म की सत्य की खोज चल रही थी, उसका एंड कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत महान, विचारों को बहुत श्रेष्ठ बनाकर अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं, जीवन जीना सीख सकते हैं। आदिकाल से ही हम देखते आए हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। पग पग में यहाँ प्रकृति में भी या हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जो हम बाल्यकाल में थे वो हम आज नहीं हैं, और भविष्य में भी हम जानते हैं कि हम यही नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर हमारा फोटोग्राफ भी मांगा जाता है तो लेटेस्ट फोटोग्राफ मांगा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी वो परिवर्तन आ जाते हैं। तो ऐसे ही संसार में परिवर्तन आते हैं, जैसे मानव जीवन बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक आता है, तो ये सृष्टि भी इसी दौर से गुजरती है। प्रारंभ में सृष्टि बहुत श्रेष्ठ होती है, सत्व प्रधान होती है और सब शक्तिशाली होता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, विज्ञान भी ये कहता है, एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि किसी भी सिस्टम में ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होता है, और वो जब अंत तक पहुंचती है तो अगर उसे फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जाए तो वो विनाश हो जाती है। आज मानो एक फसल हम बोते हैं, थोड़े समय के बाद फसल तैयार हो जाती है, तो उस फसल को हम काटते हैं, और अगर हमें नई फसल बोनी है तो फिर हमें ज़मीन को तैयार करके नया बीज डालना होगा, तब वो नई फसल उगेगी। तो यहाँ भी सृष्टि में परिवर्तन जब होता है तो इसी प्रकार से होता है कि जो पुराना है वो सब पुराना समाप्त होता है और उसके स्थान पर नए की स्थापना होती है। तो आज जो हम प्रकृति की दशा देखते हैं, आज जो हम मनुष्य आत्माओं की स्थिति देखते हैं, तो हम उससे ही समझ सकते हैं कि ये परिवर्तन ज़्यादा दूर नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान बढ़ने के कारण जो पोल्स हैं उनकी बर्फ पिघल रही है, वो बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आज मौसम परिवर्तन अचानक हो जाते हैं, पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। अभी अभी भूकंप आया, अफगानिस्तान में भूकंप आया, यहाँ हम सुनते हैं कहीं बहुत बड़ा तूफान आया और इतने हजारों मर गए। तो जब ये प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही तीव्र गति से
और जल्दी जल्दी आने लगेंगी, तो एक जैसे कि विनाश का दृश्य ही संसार में उपस्थित हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आज मनुष्य ने अपने विनाश के लिए कितने साधन तैयार कर लिए। आज एटॉमिक वेपन्स इतने हैं हर देश के पास कि वो ऐसी एक दुनिया तो क्या कितनी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। हम कहेंगे कि दुनिया बारूद के ढेर पर है, लोगों में, देशों में कोल्ड वॉर तो चलती ही रहती है। वो कब हॉट वॉर में बदल जाए हम कह नहीं सकते, तो ये कब हो जाएगा हम हमारे हाथ में नहीं है। तो ये परिवर्तन भी कभी भी हो सकता है। फिर हम देखते लोग धर्म के नाम पर एक दो को मारते काटते रहते हैं, वो कब आतंकवाद अपना रूप ले ले। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम कह सकते हैं प्रीडेस्टिन्ड है इस संसार के अंदर, जैसे पूर्व निश्चित है क्योंकि परिवर्तन का समय है, रात के बाद दिन आना निश्चित है, कोई उस दिन को आने से रोक नहीं सकता। और ऐसे ही जब संसार में धर्म ग्लानी का समय होता है, जब संसार में पापों की अति हो जाती है, जब पाप का घड़ा भरता है, तो वो भी संसार में हम कहेंगे अज्ञान अंधकार की चरम रात्रि का समय है, जो परिवर्तन होकर के फिर दिन आना ही है, फिर सतयुगी रूपी दिन इस संसार में आने का समय हो जाता है। उसके लिए परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य सृष्टि पर उदय होते हैं, जो ज्ञान का प्रकाश मनुष्य आत्माओं को देते हैं, और वो इस महान परिवर्तन के लिए ही कारण बनता है। तो अब वो ही समय से हम गुजर रहे हैं, इस महान परिवर्तन के समय से संसार गुजर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब सतयुगी दुनिया इस सृष्टि पर पुनः होगी। ओम शांति।